देखो तो, so cute. तुम बरीज के साथ कितनी मैच्योर और फेमिनिन लगती हो, तुम्हें पता है? जरा देखो तो. तुम सही कह रही हो, पर वो मुझे हर बार एक बच्चे की तरह ट्रीट करता है. हाय, ये दोनों कितने सुंदर लग रहे हैं, है ना? आसली सच में बहुत ही स्वीट लड़की है. मैं ये पिक्चर्स देखती हूँ तो मुझे भाई पे बहुत गुस्सा आता है. सच में? पर उन लोगों का ब्रेकअप हुआ क्यों, ये बात तुम्हें नहीं पता? भाई ने नहीं बताया, पर मुझे पता है. डेनिस की वजह से वो वापस आ गई है. मुझे लगा ही था बार बार डेनिस का कॉल आएगा तो उसे बुरा लगेगा ही. आज फिर से उसने फोन किया, मिलना चाहती है वो भाई से. जबकि वो मिलना नहीं चाहता, कैसे चिपकू लड़की है. वो लोग वापस तो साथ नहीं आ गए? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं. भाई वापस उसके साथ कभी नहीं जाएगा. इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हो? तुम डेनिस को जानती नहीं क्या? तुम्हारे भाई को इम्प्रेस करने के लिए वो लड़की कुछ भी कर सकती है. वरना गर्लफ्रेंड है, ये बात पता होने पर भी कॉल क्यों करती? हाँ सही कहा, कैसी लड़की है वो, डर लगता है उससे. मुझे कुछ भी करके भाई और आसले को वापस लाना ही होगा, वरना भाई डेनिस को माफ कर देगा और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती. तुम बीच में आओगी तो भाई नाराज नहीं होगा? मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर वो डेनिस के साथ वापस गया तो उसे मुझे जवाब देना होगा. तो फिर क्या करोगी तुम और कैसे करोगी ये सब? कुछ तो जरूर करूंगी, पर सबसे पहले मुझे आसले का नंबर चाहिए होगा. हनी, पता है प्रेस ने हमारे होटल की ओपनिंग के बारे में बहुत अच्छी बातें लिखी हैं. वाकई? हाँ. ये तो बहुत अच्छी बात है. ओह माय गॉड, चारला बुराक को देखो, दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं. किसी की नजर ना लगे. अरे देखो, लिखा है कपल ऑफ द ईयर. सब चाहते हैं इनकी शादी हो जाए. निहाद, समर खत्म होते ही हमें इनकी एंगेजमेंट कर देनी चाहिए. इतनी जल्दी क्या है सेल्डा, बुराक अभी बच्चा है. तुम्हें लगता है वो ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए तैयार है? तो हम लोग हैं ना, हम संभाल लेंगे. देखो सेल्डा, हमें इस मामले से दूर रहना चाहिए. देखो, जब वो तैयार होंगे तो वो शादी कर लेंगे, और जानती हो ना, एल्चिन फैमिली में ही जा रही है. मैं उसके लिए एम्बेरस फील नहीं करना चाहता हूं. साल की सबसे बड़ी खबर है. वो इतने क्लोज कब हो गए? मुझे तो पता ही नहीं था. वैसे मैं इस बात से नाराज थी कि मुझे इतनी लेट क्यों बताया. हाँ, पर ये उनकी पर्सनल लाइफ है, उन्होंने हमें पहले ही बता दिया. बच्चों के अलावा सबको पता है. तुम्हें लगता है वो शादी करेंगे? मुझे उम्मीद तो है. वैसे वो दोनों खुश रहेंगे, स्पेशली सिनान. जो कुछ उसके साथ हुआ उसके बाद वो पहली बार सीरियस रिलेशनशिप में है. क्यों? हाँ, बस सब कुछ ठीक रहना चाहिए. वैसे तो एल्जिन बहुत अच्छी औरत है, लेकिन फिर भी कुछ कह नहीं सकते. इसका क्या मतलब है? वो तो तुम्हारी बहुत अच्छी दोस्त थी. सिस्टर इन लॉ बनने के बाद ऐसा क्या बदल गया है? नहीं, बदला तो कुछ भी नहीं है, पर सिनन मेरे लिए एल्जिन से ज्यादा इम्पोर्टेंट है. तुम्हें तो पता है ना, वो बिल्कुल मेरे भाई की तरह है. सिनान और एल्चिन दोनों की मैरिजेस फेल हुई हैं, तो ये रिलेशनशिप उनके लिए अच्छी रहेगी. मैं भी बस यही चाहती हूँ. चिंता मत करो. चाला, मैं ऑफिस जा रही हूँ, कुछ जरूरी मीटिंग्स हैं. मॉम, मैं यहाँ क्या करूँ? हम इज़मिर वापस आई ही क्यों? मैं दिन भर यहाँ बोर होती हूँ. तो और कहाँ जाते हम? इस्तांबुल जा सकते थे हम. सेल्डा आंटी हमें बुला भी रही थी. मुझे यहाँ काम था ना बेटा. तो फिर मैं जा सकती थी ना. चारला, मैंने बेटा, मैंने पहले भी कहा है, हमें बहुत ज्यादा क्लोज नहीं होना चाहिए. थोड़ा डिस्टेंस जरूरी है, एटलीस्ट तुम्हारी और बुराक की शादी होने तक. उफ, समझने की कोशिश करो. पर मॉम, यह मेरे लिए कुछ भी नहीं है. बुराक इस्तांबुल में है, मैं इज़मिर में हूँ. बहुत मुश्किल है मेरे लिए, और आपका भी ज्यादातर काम तो इस्तांबुल में रहता है ना. अगर हमारा वहाँ घर होता तो बेहतर होता, है ना मॉम? शायद तुम सच कह रही हो, मैं इस बारे में सोचूंगी. क्या सच कह रही हो मॉम? बुरा कितना खुश होगा ना. ग्रेट,
तो फिर बताओ मुझे आज का क्या प्लान है तुम्हारा? पता नहीं, शायद थोड़ी शॉपिंग करूंगी। ओके, अब मैं चलती हूँ। ठीक है, हाँ ठीक है, गुड लक मॉम, सी यू, बाय। माय गुड बॉय, हाई फाइव, हाई फाइव, गुड बॉय, कैच। शारा माय लव। हे लव, क्या हो रहा है? सब ठीक है, किंग के साथ घर पे खेल रहा हूँ, तुम बताओ? मैं भी घर पर हूँ। पता है मेरे पास एक अच्छी खबर है, हम इस्तांबुल शिफ्ट हो रहे हैं। क्यों? मेरा मतलब ये कब हुआ? क्या मतलब ये कब हुआ? तुम खुश नहीं हो क्या? ऑफ कोर्स मैं खुश हूँ, बस थोड़ा सरप्राइज्ड हूँ। ये तो अच्छी खबर है, वैसे कब शिफ्ट हो रहे हो? बस मेरी मॉम घर देखना शुरू करेंगी और फिर हम शिफ्ट हो जाएंगे। ओह ब्राग, कितना अच्छा होगा, है ना? फिर हम सारी जिंदगी साथ बिताएंगे। हाँ, बहुत अच्छा होगा। क्या मेरा डॉगी वॉक पे जाना चाहता है? बेबी, बाद में बात करें क्या? हाँ ठीक है, बाय, सी यू। कैसे हैं आप डैड? मैं बढ़िया हूँ बेटा, तुम बताओ कैसे हो? मैं ठीक हूँ। मैं काम पर जा रहा हूँ, तो मेरे साथ चल सकते हो? मैं अभी तो बोर्डरूम से वापस आया हूँ डैड, वहाँ बहुत मेहनत की, थोड़ा आराम कर लेता हूँ ना मैं। हाँ ऑफ कोर्स, थक तो गए होंगे तुम, बिल्कुल आसान नहीं है ना? वहाँ की ताज़ा हवा, सुंदर धूप, नीला पानी वाला समंदर, साफ पानी वाला स्विमिंग पूल, ये सब काफी थकाने वाला रहा होगा ना? डैड आपको लगता है कि मैंने कुछ नहीं किया? मैं कह रहा हूँ मैंने काम किया, पर अब आपको विश्वास नहीं हो रहा तो मैं क्या करूँ बताओ? ओ बेटा, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। तुम एक काम करो, कुछ दिन आराम कर, मैंने तुम्हारे लिए कुछ सोच रखा है, तो जब सही वक्त आएगा तो तुम्हें बता दिया जाएगा, ठीक है? बाय। यार गौंजा, मैं अथक गई हूँ, घर के ओनर्स वापस आ गए हैं तो मुझे छुपना पड़ा। अभी घर के काम में मदद कर रही हूँ, तुम इंटरव्यू कर लो ना, मेरी वजह से लेट मत होना। नहीं नहीं, मैं वेट करूंगी, डोंट वरी, हम दोनों साथ ही जाएंगे, ठीक है? तुम बस वहां से जल्दी निकलने की कोशिश करो, ओके? ठीक है, निकलती हूँ, लव यू। ठीक है, बाय, लव यू। अब कॉल कर रहा है मुझे, झूठा कहीं का, नहीं किसी पे विश्वास ही नहीं कर सकते। कितना शरीफ बंदा था ना, झूठा बदमाश। कौन जा, मेरा फोन तो उठाओ, प्लीज एक बार मेरी बात सुन लो। गौंजा प्लीज मेरा फोन उठा लो, जैसा तुम्हें लगता है वैसा नहीं है, मुझे एक्सप्लेन करने दो। जितना मर्जी कॉल कर लो, क्या एक्सप्लेन करोगे तुम? मैं बेवकूफ दिखती हूँ क्या तुम्हें? समझता क्या है खुद को? एमए, मिस्टर नियाज चले गए हैं, चलो हम चलकर बात करते हैं। अभी बात करना है क्या? हाँ। सुनो शुक्रान, तुम पहले एक बार जाके देखो ना मिसेस सेल्डा का मूड कैसा है, कहीं वो गुस्से या टेंशन में तो नहीं है ना? तुम बिल्कुल भी मत डरो, मुझे नहीं लगता कि वो हमें मना करेंगी, वो तुम्हें बहुत पसंद करती हैं और तुम्हारे खाने को भी। हाँ पर तुम्हें पता है ना, मुझे फेवर लेना कभी अच्छा नहीं लगता, नहीं होता मुझसे। शुक्रान, मैंने डिसाइड किया है मैं उनसे पूछूंगी ही नहीं। तो फिर क्या करोगी बताओ? पता नहीं, कोई और रास्ता निकाल लूंगी, और क्या, किसी रिश्तेदार के यहाँ रह लूंगी। बात तो ऐसे कर रही हो जैसे कि बहुत सारे रिश्तेदार हों। सही कह रही हो, कोई है ही नहीं यहाँ। उफ। सुनो, मैं तुम्हें अपने घर रख लेती, पर तुम तो मेरे घर की हालत जानती हो, सेजगिन को भी तुम जानती हो, वो चैन से नहीं रहने देगा, वरना मैं तुम्हें कहीं और नहीं जाने देती। मुझे पता है मेरी दोस्त शुक्रान, शुक्रिया मेरे दोस्त, शुक्रिया।
अच्छा सुनो, इतना मत सोचो, चलो हम चलकर बात करते हैं। असला को वो मना नहीं करेंगे, और अगर मना कर भी दिया तो हम बाद में देखेंगे ना क्या करना है। अभी इस बारे में इतनी चिंता मत करो। ठीक है फिर, चलो बात करते हैं। अभी तुम्हें बुलाने ही वाली थी। डिनर में कुछ लाइट ही बनाना, हैवी ना हो। बेडरूम में मैंने अपनी डाइट फॉलो ही नहीं की बिल्कुल। अच्छा एमल, तुमने मेरे लिए अच्छा सा डाइट मेन्यू बनाया कि नहीं? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, कल से फिर शुरू करते हैं। मैं कल ही आपके लिए नया डाइट प्लान बनाती हूँ। हाँ बिल्कुल, वो कर लेना, मुझे डाइट का ध्यान रखना है। अरे मैं कहाँ पहुँची थी। मिसेस सेल्डा, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी है तुम्हें? मेरी बेटी शहर से बाहर जॉब कर रही थी, पर उसे जॉब छोड़कर वापस आना पड़ा। अब ऐसे में अगर उसे यहाँ रहने को मिल जाए तो। यहाँ रहने, अब मैं क्या बोलूँ तुमको। फ्रैंकली मैं नहीं चाहती कि घर में कोई जवान लड़की रहे। मेरा बुराक जवान है, हालांकि वो कभी किसी के साथ ऐसा वैसा नहीं करेगा, मैं जानती हूँ, लेकिन मेरी बेटी को अपनी औकात पता है मैम। अरे तुम मुझे गलत मत समझो, बुराक एक सीरियस रिलेशनशिप में है, तो मेरा वो मतलब नहीं था। तुम तो जानती हो आजकल के बच्चों को, हवा में रहते हैं वो, कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे में। तो मैं कह रही थी कि बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी सोच लें। हाँ मैम। मिसेस सेल्डा, असल एक बहुत ही समझदार लड़की है, आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो यहाँ रह रही है, और वो कुछ दिनों के लिए ही आएगी, और इस बीच असल की वजह से आपको कोई परेशानी नहीं होगी, मैं वादा करती हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। अच्छा ठीक है, तुम्हारे काम से मैं बहुत खुश हूँ, इसलिए एक्सेप्ट कर रही हूँ। शुक्रान भी कह रही है तो मुझे भरोसा है कि बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो ठीक है, मेरा भरोसा मत तोड़ना। हाँ आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी। थैंक यू मिसेस सेल्डा। थैंक यू मिसेस सेल्डा, हम चलते हैं। ऐसा लगता है मैं जेल में हूँ, कहीं जा नहीं सकती, बस यहीं बंद रहो। मॉम क्या हुआ? वो मान गए। शुक्र है ऊपर वाले का। हाँ मेरी बच्ची, मेरा भी दिल थोड़ा हल्का हो गया। बहुत अच्छे लोग हैं ये, हम लोग बहुत लकी हैं कि ऐसे वक्त में हमें इतने अच्छे लोग मिले। सही कह रही है मॉम। हमें यहाँ बहुत केयरफुल रहना होगा, हमें उनका विश्वास तोड़ना नहीं है, उन्हें ये ना लगे कि हम पे विश्वास करके उन्होंने गलती की। मैं ध्यान रखूंगी। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है असला, पर ज्यादा बाहर मत निकलना, आते और जाते टाइम एक्स्ट्रा केयरफुल रहना, ठीक है? मैं जानती हूँ, चाहे कितने बड़े महल में क्यों ना रह लो, अपना घर हमेशा याद आता है। हाँ ऐसा लगता है मैं जेल में हूँ मॉम, अपने घर की बहुत याद आती है। मेरी बच्ची, मैं वादा करती हूँ हम बहुत जल्द अपना घर ले लेंगे। ठीक है, बस थोड़ा पेशेंस, ये दिन भी गुजर जाएंगे, हम दोनों ने साथ कितनी तकलीफें देखी है, बस थोड़ा और पेशेंस। तुम्हारे पापा क्या कहते थे? पापा कहते थे सब्र का फल मीठा होता है। हाँ यही कहते थे और सही कहते थे। मॉम आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ठीक है? ठीक है मेरी बच्ची। ओके अब मैं चलती हूँ, गोंजा मेरा वेट कर रही है। हाँ जाओ, इंशाल्लाह तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा हो। गोंजा को मेरा प्यार देना। हाँ मॉम ठीक है। मेरी प्यारी बच्ची। ब्यूटीफुल थी ना? किंग, किंग, रुको, किंग, अरे,
ये मेन रोड कितना दूर है। अपने कुत्ते को हटाओ यहाँ से। असल ये बिल्कुल नहीं हो सकता, ये कोई बुरा सपना होगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ रहती हो? नहीं मैं भी नहीं, एक दोस्त के यहाँ आया था मैं। अरे यार तुमने मुझे कम परेशान नहीं किया था जो अब अपना कुत्ता भी यहाँ लेकर आए हो। उसका नाम कुत्ता नहीं है, उसका नाम किंग है। किंग। Oh no, I'm so sorry. Hey, तुमने तो मुझे डरा ही दिया था। हाँ मुझे पता है, पर तुम मेरे पीछे भागे तो मुझे भागना पड़ा। वैसे मुझे कुत्ते बहुत पसंद है। अगर कुत्ते से बात हो गई हो तो मुझे बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, मुझे सच में तुमसे डर लगने लगा है। पहली बात, इसका नाम कुत्ता नहीं किंग है। दूसरी बात, मैं जहाँ जाऊँ वहाँ तुम क्या करते हो। तीसरी बात, मेरे साथ जो भी बुरा हुआ उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो, तो अगर हमें से किसी को डरना चाहिए तो मुझे तुमसे डरना चाहिए। तुम इतना ज्यादा बोलती हो कि इंसान औरत देखते ही भाग जाए। ओके मान लो मैंने कुछ पूछा ही नहीं। ओके तुमसे ज्यादा बकवास इंसान मैंने देखा ही नहीं है। आई हेट यू बिकॉज आई लव यू। अगली मुलाकात तक टेक केयर। भाड़ में जाओ तुम, सुन रहे हो, बाहर में जाओ। मुझे तो पसंद आया मिस्टर निहाल, आपका क्या कहना है? हाँ बुरा नहीं है, सबसे अच्छी बात है कि इट्स डिफरेंट। इस होटल में सब कुछ एकदम डिफरेंट होना चाहिए, पूरा कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो, सरप्राइजिंग हो तो अच्छा लगेगा। इसलिए ये आर्किटेक्ट हमारे लिए काम का हो सकता है। इसके साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर लो, बात करके देखते हैं। जरूर। हेलो निहाद, कौन बोल रहा है? ओहो मेरी आवाज भी भूल गए हो, बहुत टाइम भी तो हो गया है ना। बसक बोल रही हूँ। इस पे हम बाद में बात करते हैं। ओके सर। मुझसे क्या चाहिए तुम्हें अब? आखिर ये कैसा सवाल है, तुम्हें क्यों लगता है मुझे कुछ चाहिए? ये जानना हो कि तुम कैसे हो तो कॉल नहीं कर सकती। देखो मेरे पास तुम्हारे गेम्स के लिए कोई टाइम नहीं है, बताना है तो बताओ वरना मैं रख रहा हूँ। बताती हूँ, हमें मिलना होगा। लेकिन मैं तुमसे नहीं मिलना चाहता। मुझे लगता है मैंने तुम्हें खुद से फोन करके गलती कर दी है। मुझे धमकी दे रही हो तुम? मुझे तुमसे बात करनी ही नहीं है, दोबारा फोन मत करना। ओह, बेचारा डर गया है मुझसे। तुम्हें तो मिलना ही पड़ेगा। पूछो मत गौंजा, तुम्हें यकीन नहीं होगा क्या हुआ। अब क्या हुआ? वो इडियट फिर से मिल गया। कौन मिल गया तुम्हें? कितने इडियट है मेरी जिंदगी में गौंजा, बुराक मिला था मुझे। क्या, कब और कहाँ? मैं यहाँ आने के लिए घर से निकली तो मैं बिल्डिंग से एग्जिट तक पहुँच ही रही थी कि मेरे पीछे कुत्ता भागने लगा और मैं पैनिक हो गई, फिर मैं झट से जमीन पर गिर गई। फिर क्या, गेस करो उस कुत्ते का मालिक कौन था। नो वे। वैसे इसमें सरप्राइज क्या है, तुम दोनों एक दूसरे से टकराते ही रहते हो। हाँ मैं जितना उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती हूँ वो उतना ही मेरी लाइफ में आता रहता है। जो नहीं चाहिए वो अक्सर मिल जाता है। हाँ सही कह रही हो तुम। तो क्या वो भी वहीं पर रहता है? नहीं वो एक दोस्त के यहाँ पर आया था। ठीक है ना, फिर तुम इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, शायद उससे फिर पाला ही ना पड़े। हाँ मुझसे दूर रहना ही अच्छा है, चलो इंटरव्यू के लिए चले। तुम्हें पता है मैंने वहाँ के वेटर से बात की है, वर्किंग कंडीशन बहुत अच्छे हैं,
बॉस भी बहुत स्वीट सा है, बस हमारा सिलेक्शन हो जाए। सच कह रही हो? काश हो जाए। हाँ, आप लोग कल से आ जाइएगा। गुड लक। थैंक्स। हेलो, हम जॉब एप्लीकेशन के लिए आए हैं। सॉरी, हमने अभी अभी उन दो लड़कियों को हायर कर लिया है। ओह सीरियसली? ठीक है फिर, ओके। अपना नंबर छोड़ दीजिए, आगे कुछ हुआ तो बुला लूँगा आपको। ठीक है। सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से जॉब चली गई। ये सब उस इडियट की वजह से हुआ। मेरी वजह से तुम भी लेट हो गई। सॉरी गोंजा। तुम पागल मत बनो, किस्मत में नहीं था। वैसे भी मुझे ज्यादा दुख नहीं है। देखो, आसपास एक भी गुड लुकिंग लड़का नहीं है यहाँ। थैंक यू सो मच। अपने पुराने जॉब पर जाते हैं और वहां से पैसे लेते हैं। वो आदमी तो कॉल करेगा नहीं। मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता गोंजा कि वो मुझे पैसे देगा। क्यों नहीं? वो तुम्हारा पैसा नहीं है। जो कुछ हुआ उसके बाद वो पैसे क्यों देगा? गलती तुम्हारी नहीं थी, उन्हें पैसा देना ही होगा। डोंट वरी। काश ऐसा ही हो। आपकी कॉफी सर। थैंक यू सो मच। एंजॉय। बेस्ट है मरियम। ऑफ कोर्स, मैं नोट कर लेती हूँ। थैंक यू। हाय डियर। हे लव, कैसे हो तुम? क्या कर रही हो? मैं ठीक हूँ और ऑफिस में काम कर रही हूँ। तुम बताओ? तुम्हारी इतनी याद आ रही है कि कुछ काम ही नहीं हो रहा है। तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं इज़मिर आ जाऊँ क्या? अभी तो हम साथ में ही थे ना। बर्दाश्त नहीं होता एल्चिन, तुम फौरन इस्तांबुल शिफ्ट क्यों नहीं हो जाती? एक्चुअली मैं भी यही सोच रही थी। सीरियसली? मैं ज्वाला से इस बारे में बात कर रही थी। वो भी परेशान है, उसके सारे दोस्त वहाँ इस्तांबुल में हैं। हम अभी पूरी तरह शिफ्ट नहीं हो सकते, लेकिन इस्तांबुल में हम एक घर ले सकते हैं और कभी कभी कुछ दिनों के लिए वहाँ आ सकते हैं। मैं तो कहूँगा कि इस्तांबुल में तुम्हारा अपना घर है, पर मुझे मालूम है कि तुम नहीं मानोगे। देखो, सेल्डा को बताना और बाकी लोगों को बताने में फर्क है ना? हाँ बिल्कुल। ओह डियर, मेरा फोन बज रहा है। ओके डियर, ख्याल रखना। बाय। बाद में बात करते हैं। थैंक यू। वो हमारे यहाँ जो रियल एस्टेट में काम करता है, यही था ना? जी हाँ सर। ओके थैंक यू। यही, हेलो, मुझे कुछ पूछना था तुमसे। मुझे एक सुंदर बढ़िया घर चाहिए जल्द से जल्द। ओके, तुम्हारे कॉल का इंतजार करूंगा। मिलते हैं जल्द। हेलो मिस्टर मैनेजर। हेलो। हाँ बताइए, क्या काम था? हम अपनी सैलरी लेने आए हैं। आपने कहा था कि आप हमें कॉल करेंगे, पर आपने तो कॉल ही नहीं किया। आपकी सैलरी नहीं बनती। नहीं बनती? मैं अपनी 20 दिन की सैलरी लेने आई हूँ। और मैं भी। मैं अपना पैसा लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। आपने हमारा इंश्योरेंस मनी भी हमें नहीं दिया। हम पुलिस में जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। यही इंतजार करो, मैं बॉस से बात करके आता हूँ। ठीक है, हम इंतजार करते हैं। देखा तुमने, हमने आवाज उठाई और वो डर गया। अब से हम लोग ऐसा ही करेंगे। ये लोग ना बस हमें यूज करते हैं। पता है, मैं ना आयरदम का गुस्सा दूसरे आदमियों पर निकाल रही हूँ। बहुत मजा आ रहा है। सही कह रही हो। यहाँ तो अच्छाई का जमाना ही नहीं रहा। ये तो कुछ नहीं है, मैं तो कहती हूँ अगर हमने आवाज नहीं उठाई ना, ये लोग हमें कुचल के रख देंगे। हाँ, इन्हें तो बस मौका ही चाहिए। हाँ
हाय, कैसे हैं आप? वेलकम। मुझे एक स्ट्रॉबेरी केक चाहिए था प्लीज। जरूर। असले? हेलो। तुम फिर से यहाँ काम करने लग गई? नहीं, वो हम यहाँ अपनी बची हुई सैलरी लेने आए हैं। समझ गया, मुझे तो लगा था कि तुम फिर से यहाँ पर। खैर छोड़ो, तुम्हारे काम का क्या हुआ? कुछ बात बनी? गौंजा और मैं नौकरी ढूंढ रहे हैं। फिलहाल तो कोई बात नहीं बनी, पर ऊपर वाले ने चाहा तो मिल जाएगी। असले, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुम्हारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहूंगा। तुम्हारी होटल की जॉब हमारी वजह से छूटी है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। एक्चुअली ये सही रहेगा, इस वक्त एक स्टेबल जॉब ढूंढना बहुत टफ हो गया है। सही बात है, मैं जल्द से जल्द कुछ करता हूँ, तुम चिंता मत करना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ मैं? हाँ, क्यों नहीं, मुझे कॉल करके मेरा नंबर सेव कर लो तुम। ठीक है, मैं जल्द ही तुम्हें फोन करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। ओके, सी यू, बाय। ओके, बाय। क्या किया तुमने? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। क्या किया मैंने? उसने खुद हेल्प की बात की, और वैसे भी उसकी वजह से तुम्हारी जॉब गई थी ना, तो करने दो उसे मदद। और मदद लेने में एक फायदा भी है, काम भी और प्यार भी। बकवास मत करो गौंजा, वोल्कन अब कभी मेरी इज्जत नहीं करेगा। पागल मत बनो, मेरी बात सुनो। ओके, मैंने बहुत से बात की, इस एनवेलप में तुम्हारी सैलरीज है, पर हाँ, तुम्हें एक पेपर पे साइन करके कहना होगा कि तुम्हें सैलरी मिल गई। एक सेकंड, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। क्या पता कल फिर से तुम लोग अपनी सैलरी लेने आ पहुंचो। हम लोग इस तरह के झूठे लोग नहीं है। गौंजा, तुम नहीं होती ना तो मैं ये पैसे कभी निकलवा नहीं पाती। और वोल्कन का नंबर दिलाया, उसके लिए भी थैंक्स कह दो। हाँ, उसके लिए भी, जॉब की बात भी हो गई। मुझे यकीन है वो हमारे लिए अच्छी जॉब ढूंढेगा। तुम्हें ऐसा लगता है? हाँ, नंबर तो लिया उसने, अगर नहीं कर पाता तो नंबर क्यों लेता। वो अच्छा लड़का है, अपने कजन की तरह नहीं। हाँ यार, वो दोनों बहुत अलग है। वो वोल्कन के सामने तो कुछ भी नहीं है, कितना कंसर्न है वो। हमें पैसा मिल गया, जॉब भी मिलने वाली है, वोल्कन का नंबर तुम्हारे पास है, अब तुम मुझे एक अच्छा सा डिनर तो करा ही सकती हो। बिल्कुल करा सकती हूँ मेरी जान। हेलो, यीत है? ओके, लाइन पे लो। हाँ यीत, बोलो। मेरे लिए परफेक्ट घर ढूंढ लिया तुमने, ग्रेट। कब देख सकता हूँ मैं? ओके ओके, मैं अभी आ सकता हूँ। ओके, मिलते हैं जल्दी। डैड, आप फ्री हैं क्या? कुछ पूछना था। मैं बस निकल ही रहा था, कुछ इम्पोर्टेंट है? वो मेरे एक दोस्त को जॉब की जरूरत है, तो मैंने सोचा कि हम कुछ कर सकते हैं क्या। आपको देर हो रही तो हम बाद में बात कर लेंगे। हाँ, बाद में बात कर लेते हैं। ठीक है। हेलो सिनान। हेलो। कितनी अच्छी बात है, बाप बेटा दोनों एक काम पे, बहुत अच्छा लगा वोल्कन। बहुत बहुत शुक्रिया अंकल। वैसे बुराक कहाँ है? बुराक
क्या मजाक करते हो सिनान, बुरा कह रहा था कि उसने बोर्डरूम में इतनी मेहनत कर ली है कि वो बुरी तरह से थक गया है और अब उसे अपने कुत्ते के साथ आराम करने की जरूरत है। कहीं जा रहे हो? कहाँ? अच्छा मैं चलता हूँ। बाय बेटा, मैं यहीद से मिलने जा रहा हूँ। एल्चिन इस्तांबुल शिफ्ट होने की सोच रही और मैं उसके लिए घर देखने जा रहा हूँ। सिनान इसकी क्या जरूरत है भला? देखो तुम लोग अडल्ट्स हो, एल्चिन को तुम्हारे साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्व। तो फिर इंतजार किस बात का है? मेरा बस चले तो मैं ऐसा ही करूं, पर एल्चिन जल्दबाजी नहीं करना चाहती। कुछ सोच समझ कर ही फैसला किया होगा उसने। एल्चिन अच्छी इंसान है और समझदार भी है, तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही अच्छी रहेगी। हाँ शुक्रिया मेरे दोस्त, गुड लक। फोन नहीं करूंगा। पर तुम अपने भाई से असल का नंबर मांगोगी कैसे? मांगूंगी थोड़ी ना, मैं चुपके से उसे निकाल लूंगी जब तुम उसे डिस्ट्रैक्ट कर रही होगी। मतलब कहना क्या चाहती हो? वही जो मैंने कहा। और मैं तुम्हारे भाई को डिस्ट्रैक्ट कैसे करूंगी? अरे बाबा तुम चिंता मत करो, कर लोगी। चलो चलो। अरे डैड। एदा? कहीं जा रहे हैं? मेरी एक मीटिंग है, तुम्हें मुझसे अगर कोई काम है तो अभी बता दो। नहीं डैड, हम तो यूं ही आ गए। भाई है ना अंदर? हाँ अंदर ही है। ठीक है डैड, बाय बाय। बाय, सी यू। भाई हम आ गए। हेलो। हेलो। हम यही थे तो सोचा तुमसे मिल ले। हाँ क्यों नहीं, आओ बैठो ना। हाँ वेलकम। आप लोग कुछ लेंगे? नहीं शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। मुझे भी कुछ नहीं चाहिए। स्पार्कलिंग वाटर प्लीज। ऑफ कोर्स सर। ओह मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई है। अरे मेरे पास चार्जर है ना, लो। अरे नहीं, फोन चार्ज करने का टाइम ही नहीं है। वो दरअसल मुझे एक और दोस्त को अर्जेंट कॉल करना है, मैं तुम्हारा फोन यूज कर लूं? हाँ क्यों नहीं। वोल्कन भैया ये आप हो क्या? वो बुराक है और पास वाला मैं हूँ। रियली कितने क्यूट लग रहे हो। वैसे बुराक भी क्यूट लग रहा है, पर आपकी क्यूटनेस और अट्रैक्टिवनेस कुछ अलग ही है। आप बहुत क्यूट लग रहे हो। हाँ मैं बचपन से ही काफी क्यूट हूँ। थैंक यू सो मच भाई। लेकिन तुमने कॉल तो किया ही नहीं। वो मेरा मन बदल गया। अच्छा हमें देर हो रही है। इतनी जल्दी? हाँ वो अचानक कुछ काम याद आ गया। हाँ हमें बहुत काम है। सी यू। ओके बाय बाय। ठीक है सी यू। तुम्हें नंबर मिला क्या? रुको कहीं मैं भूल ना जाऊं। ओके हमारा मिशन सक्सेसफुल हुआ। हेलो। असल मैं एर्दम, सॉरी तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, गोंजा मेरा फोन नहीं उठा रही है। तुम्हें समझ नहीं आया क्यों? हाँ मैं बात को समझता हूँ, पर तुम लोग समझ नहीं रहे हो। मेरी बात सुनो, गोंजा नहीं सुन रही, कम से कम तुम तो सुन लो। ठीक है सुन रही हूँ, बताओ तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है। हाँ सबसे पहले मैं उसे पूछूंगी कि उन दोनों के बीच ब्रेकअप हुआ क्यों। अरे पर तुम ऐसे सीधे सीधे नहीं पूछ सकती हो, वैसे भी हमें पता है कि क्यों हुआ। वो भी वही चाहती हो जो हम चाहते हैं? हाँ फिर हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। हेलो असला बोल रही हो? हाँ बोल रही हूँ। मैं एदा हूँ, बोलकन की बहन। हेलो एदा, कैसी हो तुम? मैं बहुत अच्छी हूँ, और तुम? उस दिन हम बात नहीं कर पाए,
तुम जल्दी वापस आ गई। हाँ, मुझे काम था। वो दरअसल मुझे एक पर्सनल बात पूछनी थी तुमसे। हाँ, पूछना। मुझे ये जानना है कि तुम्हारे और भाई के बीच ब्रेकअप क्यों हुआ। अरे घुमा फिरा कर पूछना चाहिए था ना। एक मिनट, देखो इसका जवाब तो तुम्हारा भाई देगा ना। डेनिस की वजह से हुआ ना, मुझे पता था। पर तुम मेरी बात मानो, भाई और डेनिस के बीच कुछ भी नहीं है। देखो सिर्फ इतनी सी बात नहीं है। जो भी है तुम लोग बात करके सॉल्व कर लो ना। मैं तुम्हारे बीच नहीं आना चाहती। वैसे हम दोनों तो फिर भी एक दूसरे से मिल सकते हैं। मुझे तुम बहुत पसंद हो और मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। मुझे भी तुम बहुत पसंद हो, बिल्कुल मिल सकते हैं ना। ठीक है, फिर आज रात क्या कर रही हो तुम? कुछ खास नहीं। तो आज रात मिलते हैं। मुझे एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट पता है, डिनर साथ में करेंगे। ओके श्योर। मैं तुम्हें पिक करने आ जाऊँ? अरे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लोकेशन भेज देना, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, मैं एड्रेस भेज दूंगी। काम बन गया। मैं उनके लिए इतना रोमांटिक डिनर अरेंज करूंगी कि वो लोग फिर से एक दूसरे के प्यार में पागल हो जाएंगे। तो मार कर दिया। जैसे ही खाना बन जाएगा तो हम एक बढ़िया सा सैलेड बनाएंगे। हाँ श्योर। ओ एमिल, मुझे लगा नहीं था कि हम इतनी सारे डिशेस बना पाएंगे और मुझे लगता है हमने कर दिया। एलिफ गार्डन में टेबल लगा रही है ना? हाँ हाँ, मैंने सोचा आज उनसे ही टेबल लगवा लूँ। अरे हलील अब तक मार्केट से नहीं आया, कॉल करके देखती हूँ कहाँ रह गया, जरा पूछूँ तो सही। हेलो हलील, कहाँ हो तुम, कब तक आओगे? बस पहुँचने वाला हूँ। सारा सामान ले लिया ना तुमने? हाँ ले लिया ले लिया। जल्दी आ जाओ, हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं। वो बस आ रहा है। ब्रदर, व्हाट्स अप? क्या कर रहे हो? बस ऑफिस से निकल रहा था, बताओ। मैं घर पे हूँ, बोर हो रहा हूँ। मुझे बोर्डरूम की फास्ट लाइफ की आदत हो गई है, यहाँ सब कुछ स्लो लगता है। घर आ जाओ ना। मैं थका हुआ हूँ यार। आ जाओ ब्रो, बहाने मत बनाओ प्लीज। अरे कैसे बहाने, मैं कोई दिन भर तुम्हारी तरह पड़ा थोड़ी रहता हूँ, काम करता हूँ मैं। क्या पका रहे हो भाई, घर आ जाओ ना, कुछ गेम्स खेलेंगे और बरिश को भी ले आना। आसल। ओ हलील भाई, मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। ठीक है। बांध। और कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ। मार्केट से कुछ चीजें लेनी थी, बस वही लेने गया था। मेरा एक जॉब इंटरव्यू था आज। अच्छा, कैसा हुआ इंटरव्यू? अच्छा नहीं हुआ। ओह अच्छा। असल मैं मिस्टर निहाद से तुम्हारे जॉब के लिए बात करूं, शायद उनकी कंपनी में कोई जगह खाली हो। नहीं मत कीजिए, वो अपने घर में मुझे रहने दे रहे हैं, अब जॉब मांगूंगी तो अच्छा नहीं लगेगा ना। इतना मत सोचो, जब तुम उन्हें जानोगी तब समझ में आएगा, वो बहुत ही अच्छे दिल के आदमी है। नहीं, मैंने कुछ जगहों पर अप्लाई किया है, वहाँ अगर बात नहीं बनी तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, बता देना मुझे। हलील भाई, आपको ये एड्रेस पता है क्या? दिखाओ मुझे। हाँ पता है पता है, काफी दूर है, कार से जाना पड़ेगा हमें वहाँ। ओह क्यों, तुम्हें जाना है वहाँ? हाँ एक दोस्त से मिलने जाना था, पर अगर ये बहुत दूर है तो मैं कैंसिल कर दूंगी। नहीं नहीं नहीं, कैंसिल मत करो, मैं आज शाम उधर से ही निकलूंगा तो मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सचमुच? थैंक यू सो मच। अगर मॉम ने परमिशन दे दी तो ही मैं जा सकती हूँ। ठीक है, उनसे पूछ लो, वो अलाउ करते हैं तो मैं तुम्हें वहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ओके हलील भाई, थैंक यू सो मच। इट्स ओके। मैं आपकी थोड़ी मदद कर दूँ क्या? हाँ ठीक है, चलो। चलो चलते हैं।
टाइम पे दूध पिया जाए तो फैट जल्दी बर्न होता है अमल, मुझे तो पता ही नहीं था इस बात का। होता है, तभी तो डॉक्टर्स हमेशा दूध और दही पीने की एडवाइस देते हैं। आ, सारा सामान यहीं पर रख देना। ये तुम्हारी बेटी है अमल? हाँ मैम, मेरी बेटी असलम। बहुत सुंदर है तुम्हारी बेटी। मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मैम। स्कूल जाती हो? नहीं जाती। इसने फाइन आर्ट्स डिपार्टमेंट में बहुत अच्छा स्कोर किया था, पर मैं इसे स्कूल नहीं भेज पाई। लेकिन इस साल मेरी कोशिश है कि मेरी बेटी स्कूल जा सके। अरे वाह, तुम तो बहुत टैलेंटेड हो, कितनी अच्छी बात है। मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। बचपन में मेरा सपना था कि मैं भी एक दिन पेंटर बनूंगी और मेरी पेंटिंग्स की एग्जीबिशन लगेगी, पर मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया। मैं क्या करती, कहने लगे आर्टिस्ट बनने से कुछ हासिल नहीं होता। और फिर मैंने पब्लिक रिलेशन की स्टडी कर ली। मुझे अब भी बहुत अफसोस होता है, मैं भूल नहीं पाती उन दिनों को जब मैं यंग थी। आप तो अभी भी यंग हैं, चाहे तो अभी भी पेंटिंग शुरू कर सकती हैं और अपने सारे सपने पूरे कर सकती हैं। सच में कर सकती हूँ क्या? शायद कर सकती हूँ। क्या करूँ, घर में आर्ट का माहौल ही नहीं है तो धीरे धीरे जंग लग जाती है। अब मेरे बेटे को ही देख लो, जरा भी मेरे जैसा नहीं है वो। मैं सोचती हूँ काश मुझ जैसा होता, पर क्या करूँ, जरा सा भी टैलेंट नहीं है उसमें। अच्छा स्वीट हार्ट, तुम्हारे फ्यूचर के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच मिसेस सेल्टा, बहुत बहुत शुक्रिया। अरे जाने दो, तुम्हें भी ऑल द बेस्ट। मॉम कितनी ज्यादा स्वीट है ना सेल्डा मैम। है तो स्वीट। मॉम मैं आज रात एक दोस्त के साथ बाहर जाना चाहती हूँ, प्लीज। ये कौन सा दोस्त है? एक लड़की है, हम लोग डिनर पे जा रहे हैं। हलील भाई मुझे उसके यहाँ ड्रॉप कर देंगे और वापसी में एदा ड्रॉप कर देगी, तो मैं जाऊँ? एदा? क्या मैं उसे जानती हूँ? और तुम उसे कहाँ मिली हो? वो बोधरूम में, जिस होटल में मैं काम करती थी उसके ओनर की बेटी। होटल की ओनर की बेटी? असला थोड़ी अजीब बात नहीं है कि इतने अमीर लोगों के बच्चों के साथ तुम्हारी दोस्ती है? मॉम एदा बाकी एरोगन अमीर बच्चों की तरह बिल्कुल भी नहीं है, वो बहुत सिंपल और बहुत प्यारी है। ओह, उसके मॉम डैड ने उसको सही तरह से पाला होगा। फिर उन्होंने तुम्हें क्यों निकाला? एदा ने अपने मॉम डैड को रोका क्यों नहीं जब वो तुम्हें जॉब से निकाल रहे थे? क्योंकि तुम्हारी गलती तो थी नहीं। मॉम मेरी प्रॉब्लम उसके भाई से नहीं, उसके कजिन से थी। वो बहुत ही इरिटेटिंग इंसान है। असलम मुझे कंफ्यूज मत करो तुम। मॉम आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, तो फिर आज रात जाओ ना। मैं देख रही हूँ कि आजकल तुम काफी बाहर जाने लगी हो असलम, कहीं मुझसे छुपा कर तुम किसी लड़के से मिलने तो नहीं जाती? ये क्या कह रही हो मॉम, ऐसी बात के लिए मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? आप ही बताओ। समझ गई, आपको मुझ पर जरा भी ट्रस्ट नहीं है। तो ठीक है, अगर आप नहीं चाहती हैं तो मैं नहीं जाऊंगी। हाँ ऐसे ड्रामा करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ पर एदा तुम्हें घर तक छोड़कर जाएगी ना? हाँ वो मुझे घर तक छोड़ेगी। ज्यादा लेट मत करना, ठीक है? ओके मॉम, जल्दी आऊंगी। तुम्हारे चक्कर में मेरी सब्जी जल गई असल। वेलकम सर। हेलो, कैसे हो? क्यों भाई, आज भी बुराक को हराने का प्लान है? हाँ और क्या, वो हार के थकता ही नहीं है, इसीलिए इतना हाइपर हो जाता है। एक्चुअली बुराक को हारने की आदत नहीं है। अब आप हमेशा तो जीत नहीं सकते ना। Mükemmel olmasın, benim kalbim her şeye yeter.